एक मैट्रिक्स है ए, अगर हम उसको एडजॉइंट लें, उसको एक मरतबा राइट साइड से मल्टीप्लाई करें और एक मरतबा लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर सेम आएगा। अस्सलाम वालेकुम, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। इसमें इस रिलेशन को हमने प्रूव करना है, यानी एक मैट्रिक्स है ए, अगर हम उसको एडजॉइंट लें, उसको एक मरतबा राइट साइड से मल्टीप्लाई करें और एक मरतबा लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर सेम आएगा। इसी तरह अगर हम इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, उसको आइडेंटिटी, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उससे मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर सेम आएगा। मतलब तीनों के आंसर सेम आएगा, ये हमने प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए होता क्या है, पहले हमें वो फाइंड करना पड़ेगा। ये ए दिया हुआ है, एडजॉइंट क्या होता है, डायगनल्स रिप्लेस क्या हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -2 और -4। मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ए। पहले हम ए लिखेंगे, ए मैट्रिक्स कौन सा है, 1 2 4 6। मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ए जो भी हमने फाइंड किया है, 6 -2 -4 और 1। इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -4 से, ऐसे ही 1 को -2 से, 2 को 1 से, ऐसे ही सेकेंड रो को करेंगे, 4 को 6 से, प्लस लगाकर 6 को -4 से, 4 को -2 से, प्लस 6 को 1 से। देखिए क्या आंसर आता है, ये 6 4 2 8 -8 -2 2 1 2 +2 4 6 24, 6 -4 -24, 4 2 -8 6 1 6। यह आएगा -2, यह आएगा 0, यह आएगा 0 और यह आएगा -2। इसको हम कह देते हैं 1। जब हम ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब हमने जो सेकंड है, एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, पहले एडजॉइंट ए लिखेंगे फिर ए लिखेंगे। एडजॉइंट ए जो डिफाइंड किया था, 6 -2 -4 1, को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। ए क्या है जो हमें गिवन है, 1 2 4 6, 1 2 4 6 मल्टीप्लाई करने का वही मेथड है, रो इनटू कॉलम, 6 को 1 से, -2 को 4 से, 6 को 2 से, -2 को 6 से, -4 को 1 से, 1 को 4 से, -4 को 2 से और 1 को 6 से। सिंबल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं जैसे करते हैं, 6 -8 और ये 12 -12, -4 + 4, ये -8 और ये +6। देखिए क्या आएगा, -2 0 0 और -2। तो जब हमने एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और जब ए को एडजॉइंट ए से किया तो ये आया था, दोनों सेम आए, इसको 2 कह दीजिए। अब जो हमारी थर्ड साइड है वो है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, यानी
हमने पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर आई से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम ए लिखते हैं 1, 2, 4, 6, डिटर्मिनेंट कैसे मल्टीप्लाई फाइंड करते हैं, पहले डायगनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस लगाते हैं, फिर नॉन डायगनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आएगा 6 - 4 to the 8, आंसर आएगा -2। अब हमने इसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट ए, तो ये भी उसको लिखने का तरीका है, इसका मतलब वही है, DET A लिखना या ए लिख कर साइड पर दो लाइंस लगा देना, मतलब डिटर्मिनेंट ही है। तो तीसरी साइड क्या है, डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय आई। अब डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स नहीं है बल्कि एक नंबर है -2 जो भी हमने फाइंड किया है, और आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, इसके डायगनल में 1 होते हैं बाकी दोनों 0 होते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको, इसको सबसे करेंगे -2 को 1 से करेंगे -2, -2 को 0 से करेंगे 0, 0 से करेंगे 0, 1 से करेंगे -2, इसको 3 कह दीजिए। देखिए इसका आंसर जो 3 का आया वो देखें, जो 2 का आंसर आया उसको देखें, जो 1 का आंसर है उसको देखें, तीनों सेम आए। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करें या ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करें या डिटर्मिनेंट ए को आई से मल्टीप्लाई करें, तो तीनों आपस में इक्वल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1, 2 and 3 एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय आई। ये प्रूव हो गया। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।